1668 में आज के दिन पेरिस में पहली पब्लिक आर्ट प्रदर्शनी लगाई गई थी। 1838 में आज के दिन लंदन में नेशनल आर्ट गैलरी खोली गई। 1860 में आज के दिन एडवर्ड लियोन स्कॉट डे मार्टिन विले ने इंसान की आवाज को रिकॉर्ड करने का कारनामा कर दिखाया। 1893 में आज के दिन साहित्यकार, इतिहासकार और घुमक्कड़ी के लिए मशहूर राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ। वर्ष 1930 में राहुल सांकृत्यायन ने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। राहुल ने बौद्ध धर्म पर शोध किया, जिसे हिंदी साहित्य में काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। इसके लिए राहुल ने तिब्बत से लेकर श्रीलंका और जापान तक भ्रमण किया। राहुल सांकृत्यायन को महापंडित की उपाधि दी गई है। महापंडित राहुल को सन 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 1963 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आज के दिन जया बच्चन का जन्म हुआ था। वर्ष 1975 में आई फिल्म कोरा कागज और वर्ष 1980 में रिलीज हुई फिल्म नौकर में अभिनय के लिए जया को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। वर्ष 1992 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1957 में आज के दिन मिस्र की स्वेज नहर को साफ किया गया और जहाजों के लिए खोला गया। 1975 में आज के दिन साउथ कोरिया के 8 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था। ये लोग पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी से संबंध रखते थे। 2003 में आज के दिन इराक में सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया गया। 2005 में आज के दिन प्रिंस चार्ल्स ने कैमिला से शादी की थी।